हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिएगा गाइस, एक बहुत आसान सा बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बिगनर्स इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसान है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें उल्टी साइड से जो फंदे हैं उल्टे उल्टे ही पड़ने हैं, मतलब उल्टी उल्टी ही सिलाई बनानी होती है। हर बार जो रॉन्ग साइड से सिलाई बनेगी वो उल्टी ही बनेगी। और फ्रंट साइड से ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। इसे बनाने के लिए आपको जो है 10 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, यानी कि 10 के गुने में दो फंदे इसमें एज स्टिच के एक्स्ट्रा रखने हैं। और फ्रंट साइड से डिज़ाइन स्टार्ट होगा, 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है ये बुनाई डिज़ाइन। 8 सिलाइयाँ आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिएगा, फर्स्ट रो जो है वो फ्रंट साइड से है। आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, कहीं भी डालिए, बहुत सुंदर बन के आएगा। पहली सिलाई सीधी तरफ से, तो पहला फंदा मैं यहाँ पे स्लिप नहीं करूँगी, बुन लूँगी। इसके बाद यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मुझे क्या करना है, ये जो दो फंदे हैं ना, इन दोनों को 2 का 1 करना है, इस तरह से आगे से बनाते हुए। अब धागा अपनी तरफ लाना है, नेक्स्ट जो फंदा है उसे सीधा बनाना है। यहाँ देखिए, जो 2 का 1 किया था, एक फंदा घट गया तो यहाँ जाली पड़ गई, तो एक फंदा बढ़ गया। अब देखिए, धागा फिर से हम अपनी तरफ लाएंगे, ये जो नेक्स्ट दो फंदे हैं इनको बैक लूप से इस तरह से 2 का 1 करेंगे। देखिए, बैक लूप से यहाँ से, तो एक ये जाली पड़ गई और एक फंदा 2 का 1 हो गया। तो देखिए, यहाँ पे एज स्टिच को छोड़कर 2, 4, 5, 5 फंदे जैसे बनाए ऐसे ही बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लाके अब 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5, धागा पीछे। अब ये जो 5 फंदे हैं सेम वैसे ही बनेंगे जैसे अभी। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न पूरा स्टार्ट हो जाता है। जो 10 फंदे मैंने आपको बताए वही सेम बनाना है। देखिए, 1, धागा अपनी तरफ ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे धागा अपनी तरफ 2 का 1 बैक लूप से, धागा अपनी तरफ लाके 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब देखिए, यहाँ पर रॉन्ग साइड आ गए हम, तो रॉन्ग साइड पहला फंदा स्लिप करके पूरी रो हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, उल्टी साइड से पूरी लाइन उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा जो दूसरा चैनल है मेकअप वाला अभी तक जाके नहीं देखा तो जाके देखो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोग एक बार जाके देखो, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो। तो जिस तरह से आपने मुझे इस चैनल पर प्यार दिया, उस चैनल पर भी उतना ही प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चैनल वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वहाँ पर भी आप लोग मुझे। तो देखिए, सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम आ गए अपनी थर्ड रो पे। देखिए, तो देखिएगा थर्ड रो में क्या करना है। पहला फंदा स्लिप करके, अब देखिए जो 5 फंदे पे हमने डिज़ाइन डाला था जाली वाला, अब ये 5 फंदे हमें पूरे सीधे बनाने हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, धागा अपनी तरफ लाके 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे ना पैर में बहुत चोट लग गई है आज फ्रेंड्स, तो मुझे ना इतना प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में, पता नहीं मोच है या फ्रैक्चर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जस्ट अभी आधा घंटे पहले लगी है और वीडियो भी बनाना बहुत ज़रूरी था। तो पहला फंदा देखिए, ये 5 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, धागा पीछे, एक फंदा सीधा एज स्टिच। अब देखिए, फोर्थ रो पे आ गए रॉन्ग साइड से, तो पूरी की पूरी रो हम उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए, और फ्रेंड्स, अगर इंस्टा पे फॉलो करना हो तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा इस तरह से। देखिए,
पूरी रोल क्यूर्ती बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हम आ गए अपनी फिफ्थ रो पे। पहला अब देखिए करना क्या है, पहले समझ लीजिए फिर बना लीजिएगा, बहुत आसान है बनाना यही है। लेकिन ये जो पांच फंदे डिजाइन वाले हमने इधर बनाए हैं ना, ये अब ये फंदे हमें यहाँ शिफ्ट करने हैं इन पांच फंदों पे जो उल्टे उल्टे बनाए हैं, और जो उल्टे फंदे बनाए हैं वो यहाँ शिफ्ट करने हैं, है ना। समझ में आ गया होगा, पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ, पांच फंदे उल्टे, 1 2 3 सॉरी 3 4 5 धागा पीछे। अब यहाँ पे डिजाइन डलेगा, देखो 2 का 1 कर दो इस तरह से, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये देखिए 2 फंदे, 2 का 1 इस तरह से, धागा अपनी तरफ, सॉरी 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 धागा पीछे, देखिए यहाँ पे 2 का 1, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ फिर से 2 का 1 ऐसे, एक फंदा सीधा। अब देखिए रॉन्ग साइड आ गए, 6th रो है ये हमारी। पहला फंदा स्लिप करके, जैसे कि मैंने बताया कि पूरी रो आपको उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करनी है इस तरह से। पूरी रो आपको उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करनी है। अब देखिए आ गए 7th रो पे, ठीक है। डिजाइन देखिए दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा सा लग रहा है। सॉरी, पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ लाएंगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 धागा पीछे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 धागा पीछे, 1 2 3 4 5। अब एज स्टिच को भी सीधा बनाएंगे। अब देखिए हम आ गए अपनी रॉन्ग साइड पे, तो ये सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। 8वीं सिलाई है और ये लास्ट रो है। डिज़ाइन पैटर्न बहुत आसान है, ट्राई ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गाइस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ में जो बेल बटन है ना, उसे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि मैं वीडियो जब भी डालूंगी ना, आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ये देखिएगा, काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है विंटर्स में। अक्टूबर से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी मैं, एक बड़े प्रोजेक्ट का वीडियो आएगा वीक में एक, है ना। जैसे कि बच्चों का स्वेटर, बड़ों का स्वेटर, कैप, स्कार्फ, मफलर, इस तरह की चीज़ों के वीडियोज़ आएंगे। तो ये देखिए 8 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं, बहुत सुंदर डिज़ाइन बन के आया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपसे ज़्यादा फंदों पे थोड़ा सा बनाएंगे तो इस तरह का कुछ ये दिखाई देगा। ये देखिए बहुत प्यारा रॉन्ग साइड इसका ये है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, बाय बाय।